अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। समाज में बहुत सारी बातें ऐसी मशहूर हैं कि जिन पर लोग अमल भी करते हैं और अच्छा बुरा शगुन भी निकालते हैं। सुबह जब बेदार होते हैं और दिन भर में कोई गलत काम अगर हो जाता है या कोई नुकसान हो जाता है तो लोग कहते हैं, यार पता नहीं आज किसका मुंह देखकर उठा था कि आज नुकसान ही हो गया है। चल रहे थे, जा रहे थे, कहीं बिल्ली, काली बिल्ली सामने से गुज़र गई तो अब जहन में एक ख्याल बिठा लिया कि अब मैं सफ़र को या जहाँ जा रहा हूँ उसे कैंसिल कर दूँ क्योंकि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, अब नुकसान होगा। सफ़ेद बिल्ली रास्ता काट दे, कहते हैं फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। इस तरह की खुराफात चीज़ें हमारे माशरे में राइज हैं। याद रख लीजिए, इसी मुतालिक से सवाल किया गया कि काली बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो क्या होता है। काली बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो इससे कुछ भी नहीं होता। आका अली की सलातु व तस्लीम का इरशाद मुबारक सुन लीजिए, फरमाते हैं कि जो शख्स बदशगुनी निकाले, बुरा फाल निकाले, वो हम में से नहीं है। बिल्ली के, काली बिल्ली के आपके सामने से गुजर जाना और रास्ता काट देना, अगर बिल्ली इतनी मनहूस है तो भाई बिल्ली को ख़ुद सबसे पहले नहूसत लग जानी चाहिए कि वो जहाँ जा रही है वो दूध की तलाश में जा रही है तो उसको दूध ही नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो मनहूस है। उसके जाने की वजह से अगर आपका नुकसान हो जाता है तो सबसे पहले तो ख़ुद उसी को नुकसान होना चाहिए क्योंकि वो मनहूस है। तो एक चीज़ आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि खुराफात वाली चीज़ों पर आप ध्यान न दें। वो बातें जो कुरान और हदीस में मौजूद हैं, हमारे उलमा की, हमारे असलाफ की तालीमात में से हैं, उन पर अमल करें। इनकी उनकी जाहिलों की बातों पर ना आए। बिल्ली रास्ता काट दे या ना काटे, काली बिल्ली चली जाए या सफ़ेद बिल्ली आ जाए, इससे ना कोई नुकसान होता है और ना ही इससे कोई फ़ायदा होता है। आप इस बात को यकीन बनाए रखें कि इज्जत हो या ज़िल्लत हो, रोज़ी हो या बेरोज़गारी हो, गम हो, मुसीबत हो, खुशी हो, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से होते हैं। इन सब का मालिक व मुख्तार वही है। किसी के चाहने से ना कोई जलील होता है ना कोई इज्जतदार होता है, किसी के चाहने से ना कोई रोज़गार होता है ना बेरोज़गार होता है। अल्लाह जिसके साथ जो चाहता है फ़ैसला फरमा देता है, वो मालिक व मुख्तार है। यही हमारा ईमान होना चाहिए। बाकी बुरा शगुन और बदशगुनी ये सब हमारे इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये तवहुम परस्ती है और इससे मना किया गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।